जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उनका तहे दिल से अपने कांग्रेस परिवार बनने के बाद शायद पहली बार आपका रुद्रप्रयाग में आगमन हुआ है। मैं भगवान रुद्रनाथ से आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य का है। यहाँ पे समय का अभाव है माननीय अध्यक्ष जी ने, आगे भी कार्यक्रम है और आगे जाना है। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा सबके कदम आपकी ओर आने लगते हैं और मैं आप बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो मेरी एक ये व्यक्तिगत और हमारे अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये बड़े खुशी की बात है कि माननीय अध्यक्ष जी के चरण हमारे जिले में पड़े। हम और कांग्रेस के प्रति सम्मान के साथ आज बद्री नाम मैं समझता हूँ कि रुद्रप्रयाग जो जनपद है यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की कार्यकर्ता के उत्साह को मैं वो देख करके मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो चुनौती हमारे सामने है, तब चाहे नगर निकाय की हो या लोकसभा की हो, दोनों ही चुनौतियों पर हम निश्चित रूप से पार पाने का काम करेंगे। वर्तमान समय में हमारे चुनाव गतिमान है और जो विलंब इसमें हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, अब गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव है। तो मैं समझता हूँ चुनाव समाप्त होते ही जो है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जनपद के अध्यक्ष हो, महानगर के अध्यक्ष हो या प्रदेश कार्यकारिणी है, इसका गठन करने का काम हम करते। जो निकाय चुनाव हमारे सामने है, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस निकाय चुनाव को हम एक चुनौती के रूप में लेने का काम करें और इस निकाय चुनाव को जीतने का काम करें, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो सरकार गठित हुई है, जिसे लगभग 8 माह का समय हो गया है, 8 महीनों के अंदर इस सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लिए हैं और उन जन विरोधी निर्णयों को हम आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और आम जन निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ लामबद्ध होने का काम करेंगे। सड़कें हैं, उनका आधार मजबूत होना चाहिए, तो उस पर कार्य प्रारंभ हुआ और मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल वेदर रोड अगर बने तो निश्चित रूप से जहाँ पर हमारी बस्तियाँ हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, या तो वहाँ पर बाईपास निकले, अन्यथा वहाँ के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका रिहैबिलिटेशन हो सके। और अगर सरकार ने लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया और उचित मुआवजा नहीं दिया तो कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी।